मुझे लगता है आप ये केस सजाए मौत के खिलाफ नहीं, हमारी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तुम्हें पता है जीजी ने तुम्हें क्यों पिक किया? Because you're a woman. Lawyer. The law has been repeatedly murdered by you. आजकल इंडियन सिनेमा में कंटेंट की कोई कमी नहीं है। राइटर्स की नज़र पहले से ज़्यादा तेज हो गई है और वो आजकल उन बातों को और उन चीज़ों को पर्दे पर ला रहे हैं जिन पर कभी खुलकर हमारे समाज में बात तक नहीं की जाती। महिलाओं को लेकर खासकर पिंक जैसे फिल्मों ने समाज को एक नया आईना ही नहीं बल्कि समाज में एक नई बहस भी छेड़ दी थी। इल्लीगल जस्टिस आउट ऑफ ऑर्डर भी एक ऐसी ही सीरीज है जो सोचने पर मजबूर तो करती है, लेकिन किस हद तक, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा इल्लीगल जस्टिस आउट ऑफ ऑर्डर का एक छोटा सा रिव्यू और बताऊंगा आपको कि कैसी है ये वेब सीरीज और आपको देखनी भी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल मेहताब टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इल्लीगल जस्टिस आउट ऑफ ऑर्डर जो कि रिलीज हुई है वोट प्लेटफॉर्म पर, इस वेब सीरीज के अंदर हमें टोटल 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे जिनकी लंबाई तकरीबन 30 से 35 मिनट रखी गई है। और इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है साहिर रजा ने और इसमें कलाकार के रूप में दिखाई दे रहे हैं पीयूष मिश्रा, नेहा शर्मा, कुबरा से सत्यदीप मिश्रा, अक्षय ओबरॉय। अगर कहानी की बात करें तो कहानी है एक ऐसी वकील लड़की निहारिका की जिसका कैरेक्टर नेहा शर्मा ने प्ले किया है। निहारिका के साथ उसके बचपन में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो कभी नहीं भूल पाती। निहारिका की माँ उसके पिता से अलग रहती है। निहारिका एक अच्छी तेज तर्रार वकील है। निहारिका जब भी किसी लड़के पर जुल्म होता हुआ देखती है तो उसे उसके बचपन का वो हादसा याद आने लगता है जिसे वो कभी सहन नहीं कर पाती। वह दिल्ली शहर के सबसे बड़े वकील जनार्दन जेटली यानी के पीयूष मिश्रा के फॉर्म में बतौर एक वकील काम करती है। वहाँ उन्हें केस स्टडी करने पर पता चलता है कि मेहर सलाम जिसका कैरेक्टर कुबरा सेत ने प्ले किया है वो 15 साल से जेल में बंद है जिसे फांसी हो चुकी है लेकिन फांसी दी नहीं गई। निहारिका को उस केस में लगाया जाता है। मेहर सलाम पर इल्जाम है कि उसने अपने परिवार के 4 लोगों को जहर देकर मार डाला था। निहारिका को पता लगाना है कि मेहर के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया, उसके साथ जेल में ऐसा क्या हो रहा है जो वो अपनी मौत की सिफारिश कर रही है। जनार्दन जेटली का बेटा अक्षय जेटली यानी के अक्षय ओबरॉय है, वो पहले से ही निहारिका को जानता है। अक्षय जेटली का एक ऐसा अमीर दोस्त है जो शराब पीकर कहीं ना कहीं फंसता रहता है। एक दिन वह बलात्कार के केस में फंस जाता है। अक्षय जेटली और जनार्दन जेटली दोनों ही कोर्ट रूम में उसे बचाना चाहते हैं और ये केस निहारिका को लड़ने के लिए दिया जाता है। और यहीं से कहानी एक नई दिशा में बढ़ती है। कोर्ट रूम में कानून के योद्धाओं के बीच एक युद्ध सा छिड़ जाता है। हर कोई जिसे जीतने के लिए सत्य और असत्य के फर्क को मिटा देता है। कोर्ट में दलील देने के लिए कोर्ट के बाहर चाले चली जाती हैं। ये है इस वेब सीरीज की कहानी जिसके अंदर आपको काफी अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। मैं गारंटी से कहना चाहूंगा कि आपको इस वेब सीरीज को देखते समय काफी फिल्मों की याद आने वाली है। अगर मैं सबसे पहले नाम लूँ तो सबसे पहले आपको याद आएगी पिंक मूवी जिसके अंदर हमें अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू दिखाई दी थी और वो भी एक जबरदस्त कोर्ट रूम ड्रामा थी, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। और अगर पिंक के बाद में दूसरी मूवी का नाम लेना चाहूँगा तो उसका नाम है सेक्शन 375 जो कि पिछले साल ही रिलीज की गई थी। और अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा, सनी देओल की दामिनी मूवी को कौन भूल सकता है। उस मूवी के अंदर जो कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया गया था वो अब तक का सबसे बेस्ट कोर्ट रूम ड्रामा माना जाता है। एक अच्छी कहानी होने के बावजूद भी डायरेक्टर इस वेब सीरीज को दर्शकों के सामने अच्छे से पेश नहीं कर पाए हैं, इसके अंदर वो पूरी तरीके से फेल होते हैं। सीरीज का पहला एपिसोड ही इतना बड़ा है और बोझिला है कि अगर किसी ने वो पार कर लिया तो फिर वो 10 एपिसोड पूरे देख लेगा। सीन इतने कमजोर हैं कि बिल्कुल भी उतार चढ़ाव नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि जो पेपर पर लिखा है बस उसको बोला गया है। डायरेक्टर का पूरी सीरीज में दूर दूर तक कोई भी कमाल नहीं दिखाई देता, लेकिन इस सीरीज के अंदर जिन मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई है वो काफी अच्छे हैं। समाज में आदमी और भेड़िए एक ही शक्ल के हो गए हैं। आदमी और भेड़िए की पहचान करने में महिलाएं कितनी बार धोखा खा जाती हैं, इसी बात पर सीरीज दर्शकों का ध्यान खींचती है और वहीं एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जिसका जवाब हम सबके अंदर है। अगर एक्टिंग की बात करें तो पीयूष मिश्रा अच्छे एक्टर होने के बाद भी एक अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाए। उसकी वजह है उनके सामने वाले किरदार जिनके चेहरे पर ना कोई इमोशन दिखता है ना कोई रिएक्शन दिखता है।
ऐसा लगता है कि जैसे याद करा हुआ कुछ बोल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि लेखक किसी भी एक्टर को ऐसा नहीं लिख पाया है कि वो याद रह सके। अगर नेहा शर्मा की बात करें तो उन्होंने भी अपने कैरेक्टर को जैसे तैसे करके निभा दिया है, और वहीं सपोर्टिंग कैरेक्टर अपनी छाप छोड़ने में पूरी तरह नाकामयाब होते हुए दिखाई देते हैं। अगर मेरा ये रिव्यू सुनने के बाद आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आपको ये वेब सीरीज़ देखनी भी चाहिए या नहीं, तो मेरा जवाब है जी हाँ, एक बार आप इस वेब सीरीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि इसका कंटेंट काफ़ी अच्छा है और आप इसको आसानी से इंजॉय भी कर सकते हो अगर आप एक्टिंग पर ज़्यादा ध्यान ना दो तो। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय दोस्तों।